हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो आज मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, आज भी कुछ बातें लेकर आई हूँ। और वो है ना कि कभी कभी कोई किसी फिल्म के किसी क्लिप का अपने इतना दिमाग पे असर पड़ता है ना, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये मूवी है, जिसकी कल एक छोटी सी क्लिप मैं देखी हूँ स्टेटस में, अपने फ़ोन के स्टेटस में। मेरा एक भाई ने वो क्लिप डाला था। ओ माय गॉड, कश्मीर फाइल्स फिल्म्स के बारे में बात कर रही हूँ। और मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर या बहुत बड़ी ऐसा कुछ तो नहीं हूँ, पर जो फील करती हूँ वो शेयर करती हूँ वो बातें। तो वो ना, वो क्लिप देखी ना स्टेटस पे, उसने डाला था। एक लेडी थी, बहुत सारे आतंकी जो लोग रहते हैं ना, आतंकी पूरे पीछे से उसके पीठ के कपड़े फाड़ दिए उसने, वो औरत आगे से ऐसे पकड़ी हुई है और सारे लोग वहाँ खड़े हैं, वहाँ के आम जनता जो खड़ी है। मतलब दहशत लाने के लिए इन्होंने वो मशीन से जो लकड़ियाँ काटी जाती है ना, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटी जाती है जंगलों के, बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ियाँ, उस मशीन में उस औरत को पूरा। ओ माय गॉड, मतलब बहुत सारा क्लिप तो ऐसा दिखाया गया, लेकिन दिमाग में तो समझ आ रहा ना, काट दिया गया पूरा, खून से लथपथ। और वहीं पे पूरे सारे लोग खड़े थे, उसका बच्चा भी खड़ा था। मतलब एक फिल्म के अंदर ऐसी रियलिटी, ऐसी स्टोरी ना, कि देख के नहीं आपका मन पूरा रोंगटे खड़े हो जा रहे, आंखों से आंसू हो आ जा रहा है। मतलब हमें देख के ऐसा फील हो रहा है। और जो लोग ये फील किए हैं, जिनके साथ ये हुआ है, उन पे क्या बीती होगी। तो रियल स्टोरी के ऊपर ये फिल्म है और सबको देखनी चाहिए। मैं भी हस्बैंड को बोली मुझे भी ये फिल्म देखने जाना है, उसको 2-3 दिन से उनके पीछे पड़ी हूँ कि बुक करवाओ, मुझे जाना है जाना है। बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों का जो भी हॉल में ये मूवी देख कर आ रहे हैं, थिएटर में मूवी देख कर आ रहे हैं, वो रो कर आ रहे हैं। जब उनका ये हाल है तो फिर कमज़ोर दिल वालों का क्या हाल होगा। तो प्लीज़, जो स्ट्रांग हो, जो मूवी पसंद करते हो और रियल स्टोरी है, तो भी फिल्म को ज़रूर देखें। मैं भी ज़रूर देखूंगी, और जब भी देखूंगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। अभी तो सिर्फ 2-3 क्लिप देखी हूं और इसकी सच्चाई पता चली है, इस स्टोरी में क्या है। लेकिन फिल्म देखने के बाद इसके पेन और रियल बातें बहुत सारी कुछ है जो वो झेले हैं, जो हम लोगों तक वो बातें पहुंचाई गई है, उनका दर्द पहुंचाया गया है। और किसी का दर्द देखकर हम इंडियन दर्द महसूस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। तो कश्मीर फाइल्स ना देखनी बहुत ज़रूरी, मैं देखूंगी, आप लोग भी ज़रूर देखना। ओके, तो ये छोटा सा बात मैं शेयर कर रही हूँ, क्या बोलूँ। ओके, हुआ करते थे जब तक वो इनके पक्ष की बातें करते थे, जब इनके विचारधारा वाली फिल्में बनाई जाती थी और उन्हें बड़े बैनर और बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ रिलीज किया जाता था, तो ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसी फिल्मों की तारीफ लगातार करते हुए थकते नहीं थे और कहते थे ये तो निर्देशक की, लेखक की क्रिएटिव फ्रीडम है, वो कुछ भी दिखा सकता है। और ये भी कहते थे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिल्म मेकर्स को, लेखकों को कुछ भी अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विवेक अग्निहोत्री ने सच बोला, अचानक से ये अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं गायब हो गई। आज जब एक ऐसी फिल्म आई है जो कश्मीर पर ऐसे लोगों के फेक नैरेटिव को एक्सपोज करती है, या जब भारत की एक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में इन लोगों के खिलाफ फैसला दे दिया, तो इन्हें ये मंजूर नहीं है। और ये पूरा गैंग